जो हम छोड़ने के लिए बहुत प्रयास करते हैं छूटता नहीं, तो सुनो, परत मन छीनने कहूं नहीं चैन। ऐसी पकड़ मन की हो जाती है, हम प्रणाम करते हैं मन को, एक तरफ इसकी निंदा करते हैं, जब ये भगवत विमुख होकर विषयों को पकड़ लेता है तो छोड़ाए नहीं छोड़ता, और एक तरफ इसको वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं कि जब नाम को पकड़ लेता है तो ये बहुत चतुराई से नाम जपता है, कोई इसको छोड़ा भी नहीं सकता, इसीलिए बहुत काम का है मन, इसको फुसला के डांट के जैसे बने इसे अपने पक्ष में लाओ, इसको नाम जप में लगाओ, फिर आगे चलकर इसका कमाल देखोगे, ये तुम्हें कितना सुखी करता है, कितना सहयोग प्रदान करता है। परत मन छीनने कहूं नहीं चैन, व्याकुल व्यथित चित दिन बीतत, परत नींद नहीं रैन। परत मन छीनने कहूं नहीं चैन, कैसे इस स्थिति को बतावें, बस इतना समझ लो उसके हृदय में एक ऐसी वेदना पैदा होती है, बस कोई भी सेकेंड खाली नहीं जाएगा। उस जब सहज भाषा में बोलेंगे तो मरना निश्चित है, उसके पहले ही हमें प्रिया प्रीतम से मिलना भी निश्चित है, और मिलन का सब संयोग बनाता है नाम भजन, इसलिए अब मैं भजन नहीं छोड़ सकता, हर क्षण हर क्षण बात कर रहे हैं तो तुम्हारे मुख पर नाम लिखा हुआ है, जिधर देखें उधर नाम लिखा हुआ है, नाम को देखते हुए बात कर रहे हैं, मन में बड़ी सामर्थ्य है। जब पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा दो नाम एक साथ चला करके देखो, प्रवीण साधक हो तो चल जाएगा, तो चला के देखा गया, एक लिखा जा रहा है और एक सुना जा रहा है, पर ये बहुत सदा हुआ एकाग्र मन, दो एक साथ, एक लिखा जा रहा है और एक सुना जा रहा है, भागने का कोई चांस ही मन का नहीं, पर ये तभी जब संयमवान हो, एकाग्र हो, प्राण भी सूक्ष्म है, संयम ठीक है तब चल सकता है, नहीं तो लगेगा खोपड़ी फट रही, छोड़ो ऐसा लगने लगेगा। व्याकुल व्यथित चित्त दिन बीतत, आपका दिन कैसे बीतता है, व्याकुलता पूर्वक बीतता है क्या, क्योंकि आपको ऐसा लगता है बहुत दिन जीना है, हम स्वस्थ हैं, हम प्रणाम करते हैं इस किडनी रोग को, इसने वो काम किया जो जीवन में साधना से नहीं कर सकते थे, मानो एक ऐसा अंग रक्षक दे दिया जो भजन की प्रतिपल वृत्ति को बढ़ाने के लिए कहता रहता, सावधान सावधान नाम में, नाम में सावधान, चित्त वृत्ति प्रिया प्रीतम में सावधान हर क्षण। पहले जब सत्संग में सुना था संतों के मुख से कि असाध्य रोग जब किसी भक्त को मिलता है तो भगवान की विशिष्ट कृपा होती है, भाई ये हमारी तो समझ में नहीं आया, स्वस्थ शरीर लगा के पद्मासन चिंतन कर रहे हैं, अस्वस्थ असाध्य रोग के तो क्या भजन होगा, नहीं संतों के वचन जो है गूढ़ होते हैं, वो बाद में समझ में आते हैं, अहम की धरा का लय होकर निरंतर भगवदाकार वृत्ति, हाँ बड़ी कृपा बड़ी कृपा। आप स्वस्थ हैं तो खान पान इंद्रिय विलास और जीने की इच्छा, यही आपके अंदर भजन की व्याकुलता नहीं पैदा होने दे रही, ऐसा चित्त व्यथित रहता है भजन के लिए, कहीं भजन न छूट जाए। तुम्हारी रात पूरी कैसे जाती है, कैसे तुम सो लेते हो रात में, अखियां रूप के रंग भरे, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को सोई ना तो जगी, न सोई ना जगी। अरे बढ़ो आगे बढ़ो, केवल नींद में छह छह घंटे आठ आठ घंटे व्यतीत कर देना बहुत घाटे का सौदा हो रहा है, कम से काम चलाओ, ज्यादा माल इकट्ठा करो, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की लीला गुण, शांति में बैठ कर एकांत चिंतन,
ये तभी होगा जब संयम होगा, आहार शुद्ध होगा, लक्ष्य होगा, नहीं तो बैठोगे भी तो लार बाते भी सो जाओगे। तमोगुण पिंड नहीं छोड़ने वाला, ये गुण ऐसे नहीं छोड़ते। और जब कृपा हो जाती है ना तो कोई नींद नींद दिला ही नहीं सकता, चाहे तुम दवा खवा दो वो भी अपना राधे राधे रखती है, प्रभाव ही नहीं। अपने ठीक समय पर अपना कार्य प्रारंभ हो जाता है, बेहोशी भले कुछ क्षण के लिए हो जाए। बोले परत नींद नहीं रहन, कमालो जाना है यार, जाना है यहां से, यहां टिकना नहीं है। अधिक से अधिक नाम, कुछ लोग तो कहते समय ही नहीं हमारे पास, तो समय है किस लिए तुम्हारा, किसके लिए समय है? बोले रुपया कमाते हैं, खूब सामग्री, घर परिवार पोषण, जब जाओगे तो साथ इनमें से कौन सा होगा? थोड़ी कमाई वो भी तो कर लो जो तुम्हारे साथ चली जाए। अब जब नाम जापक उपासक ऐसे नाम जप करता, स्थिति ये स्थिति आ जाती है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं होना पड़ता कि वो कुछ बनावटीपन करे, हृदय की दशा आ जाती है ऐसी। आप सबसे कठिन काम है ये, सबसे कठिन विश्व में, त्रिभुवन में, सूक्ष्म और स्थूल दोनों में सबसे कठिन काम है, एक नाम पे, एक मंत्र पे कुछ घंटे लगातार चलाओ, देख लो करके हो तो अनुभव का। मान लो राधा, अब एक घंटे केवल राधा ही राधा तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे मन में राधा 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 राधा, एक घंटे ऐसे। अगर 5-6 घंटे फिर देखो ये स्थिति ना आने लगे तो बता, 5-6 घंटे एक ही मंत्र बदलने नहीं दिया, क्योंकि इसका स्वभाव है, एक मंत्र जप रहा है, अब अभ्यास भजन का कर, बीच में ले आएगा अमुक नाम, ले आएगा अमुक बात, ले आ जाएगा अमुक कल्पना, ले आएगा अमुक क्षेत्र में पहुंचा देगा, ये ऐसा करेगा। फिर इसका कार्य है, बड़ा चंचल है, तो इसको फंसाने के लिए प्रारंभ में तो ऐसा किया जाता है, थोड़ी देर मंत्र जप लिया, थोड़ी देर नाम जप कर लिया, फिर पद गायन शुरू कर दिया, फिर मंत्र में आ गए, फिर नाम में आ गए, ऐसे अभ्यास से। लेकिन सबसे कठिन काम है, मानो आपका मंत्र है, अब उस मंत्र पे लगातार बिना किसी विक्षेप के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप देखो जरा लगा के। अभी अगर ये पैदा ना हो जाए व्याकुलता तो आप हमें बता देना, व्याकुलता पैदा हो जाएगी, छटपटाहट पैदा। ये पहले तो ऐसा करेगा कि कमरे में बैठे तो खिड़की खोल के गली में देख लें एक बार, कुछ तो आप पकड़ में आ जाए, इसे जीवित रह जाए, ऐसा मन व्याकुल होता है। कुछ तो दिखा दो, थोड़ी टीवी दिखा, अगर मोबाइल है मोबाइल चला के और मंत्र चल रहा है, बस वो अपनी सामग्री इकट्ठा कर रहा है, कुछ नहीं। बाहर का छूने मत दो, निकलने मत दो इसको हृदय मंदिर से, और लगातार एक, तो हम कह रहे हैं 20 मिनट शुरू करो, 30 मिनट ऐसा शुरू, कुछ नहीं, एक पकड़ा पकड़ लिया बस, राधा पकड़ा, राधा वल्लभ श्री हरिवंत पकड़ा, शरणागत मंत्र, निज मंत्र जो पकड़ा, 30 मिनट 40 मिनट घसीटते चले जाओ, एक एक मिनट बढ़ाते चले जाओ उसको, देखना अब ये व्याकुलता आ जाएगी।